दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा और विराट कोहली को महान खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इंडिया और इंग्लैंड के महामुकाबले में एक बार फिर छाया बारिश का साया, बारिश की बूंदे बनी एक बार फिर विलन। तो आखिर अब कितने बजे से शुरू होने वाला है इंडिया और डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड के बीच ये कांटे का रोमांच? कितने ओवरों की जाएगी कटौती? आखिर कितने घंटे बाद हमें दोबारा ये मैच देखने को मिलेगा? सब कुछ हम आपको अपने इस वीडियो में दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, कोहली, रोहित और जॉस बटलर में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, विश्व कप के लिए मुश्किल से 5 दिन भी शेष नहीं है। उसके पहले की सभी टीमें अपनी तैयारियों को पुख्ता करने में जुटी हुई हैं। जहां आज टीम इंडिया के सामने डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड की चुनौती थी, असम के बारसपारा स्टेडियम में दोनों टीमें एक दूसरे की धज्जियां उड़ाने को बेकरार थी। सिक्का उछला और टॉस के बॉस कप्तान रोहित शर्मा बने। भारतीय बल्लेबाज बैटिंग करने के लिए उतरने वाले थे, लेकिन तभी एक बार फिर क्रिकेट फैंस की सबसे बड़ी दुश्मन बारिश की धमाकेदार एंट्री होती है और मुकाबले को रोकना पड़ जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैच से पहले बारिश के कुछ खास आसार नहीं थे, लेकिन जैसे ही भारतीय बल्लेबाज बैटिंग के लिए उतरने वाले थे, वैसे ही इतनी तेज बारिश आती है कि केवल पिच को ही नहीं आनन फानन में पूरे मैदान को ही कवर करना पड़ जाता है। ग्राउंड्समैन पूरी तरीके से मेहनत कर पूरे मैदान पर कवर बिछा देते हैं और इसी के साथ केवल खिलाड़ी तो पवेलियन में लौटते ही है, साथ ही साथ स्टेडियम में मौजूद हजारों फैंस के चेहरे पर निराशा छा जाती है। वो भी बारिश से बचने के लिए अपने सिर पर छत ढूंढने के लिए इधर उधर भागते हैं। हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है, तो वहीं हर तरफ मायूसी भी देखी जा सकती थी, क्योंकि सभी इस मुकाबले को देखने के लिए बेकरार थे। लेकिन दोस्तों, अब एक खुशखबरी निकल कर सामने आ रही है, क्योंकि सामने आ रही जानकारी के मुताबिक बारिश बहुत जल्द रुकने वाली है और कम से कम आधे घंटे की देरी से हमें मुकाबला शुरू होता हुआ दिखाई दे सकता है। हालांकि मैदान को रेडी होने में आधे घंटे से अधिक का समय लग सकता है, लेकिन मुकाबला तो पूरा होगा और ओवरों की कोई कटौती नहीं होगी, ये सबसे अच्छी बात है। वैसे आपको क्या लगता है, कौन इस बार विश्व कप में बाजी मारने वाला है? हमें अपने जवाब कॉमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल को।